बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम एजुकेशन या मुबादियात तालीम जमात दहम बाब नंबर 6 पाकिस्तान में तालीम, इसके पहले 10 मुख्तसर सवालात के जवाबात समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिला ताखीर सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान किस नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ? इसका जवाब है कि पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए हयात की बुनियाद पर कायम हुआ। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान के हुसूल का मकसद क्या था? इसका जवाब है कि पाकिस्तान के हुसूल का मकसद ये था कि यहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्लामी नज़रिए हयात को नाफिज़ किया जाए, इसीलिए पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक बनने वाली तमाम तालीमी पॉलिसियों में इस्लामी नज़रिए हयात को मकासिद तालीम की बुनियाद बनाया गया। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुई? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 में मुनाकिद हुई। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या पैगाम दिया? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम अपने पैगाम में कायद आज़म ने फरमाया कि एक सदी की गैर मुल्की हुकूमत में हमारे लोगों की तालीम की तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई, हकीकी तेज़ रफ्तार और काबिल क़द्र तरक्की के लिए हमें तालीमी हिकमत अमली और प्रोग्राम अपनी तारीख और सकाफत के मुताबिक तय करना होगा। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें दुनिया से मुकाबला करना है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? इसका जवाब है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान थे। सवाल नंबर 6, पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस के नाम क्या पैगाम दिया? तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने अपने खुतबे में फरमाया कि वो तालीम में रूहानी अंसर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, अगर इस अंसर को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसके ख़तरनाक और तबाह कुन नतायज बरामद होते हैं। सवाल नंबर 7, तालीम का असल मकसद क्या है? तो इसका जवाब है कि तालीम का असल मकसद इंसान के जहन से वहशियानापन को दूर करना और उसे आला इंसानी मकासिद की तरफ मोड़ना है। नौए इंसानी यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद इसी सूरत में अमन में रह सकती है। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान की तालीम के चंद मकासिद बयान करें। इसका जवाब है कि पाकिस्तान की तालीम के चंद मकासिद दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, फ़र्द और माशरे की नशोनुमा करना। नंबर 2, जमहूरियत को फ़रोग़ देना, कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना। नंबर 4, शरा ख़्वानदगी में इजाफ़ा करना। और नंबर 5, ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो देना। अज़ीज़ तलबा, अगर आप ये 5 के 5 पॉइंट्स लिख दें तब भी बेहतरीन, और अगर इन में से आप कोई से 2 पॉइंट लिख दें तब भी आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। सवाल नंबर 9, कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 के मुताबिक तालीम के 5 अहम मकासद बयान करें। इसका जवाब है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 के मुताबिक तालीम के अहम मकासद दर्ज ज़ैल हैं, कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक़ का एहसास उजागर करना, समाजी और सकाफ़ती इकदार को फ़रोग़ देना, पाकिस्तान को एजुकेशन फॉर ऑल के मकासद तालीम के हुसूल के काबिल बनाना, पाकिस्तान के तमाम बशिंदों को मसावी तालीमी सहूलियात मुहैया करना, तालीमी क्वालिटी को बेहतर बनाना ताकि मुआशी ज़रूरियात पूरी हो सकें। सवाल नंबर 10, पाकिस्तान में तालीम की कितनी अकसाम हैं, नाम लिखें। इसका जवाब है कि पाकिस्तान में तालीम को 2 बड़ी अकसाम में तकसीम किया जा सकता है जो दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, पेशा वराना तालीम, और नंबर 2, आम तालीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने एजुकेशन जमात दहम बाब नंबर 6 के पहले 10 मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़े। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी सवालात की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।